जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। अध्याय 11, नैतिक मूल्य और तुरंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना। अब हम पर बीती बातों के लिए किसी पर इल्जाम लगाने की नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने का ढंग तय करने की जिम्मेदारी है। जॉन एफ कैनेडी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां कौन मनाता है? माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन रोता कौन है? वह बच्चा। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब इसका उल्टा होना चाहिए। हमें खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया को रोने दें कि उसने एक ऐसी अच्छी आत्मा को खो दिया जिसके जाने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई है। हिंदू फिलॉसफी का मानना है कि जब अच्छे इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वे मरते नहीं, उनका नाम उनके अच्छे कामों की वजह से सदा अमर रहता है। याद कीजिए, आपने ऐसे किसी आदमी की प्रशंसा आखिरी बार कब सुनी थी? जब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं तो आम तौर पर उस व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए छोटे से छोटे दयालुता भरे कामों की चर्चा कर रहे होते हैं। दयालुता भरे छोटे छोटे काम अनदेखे नहीं रहते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद इन कामों का महत्व और गहराई से महसूस किया जाता है। तभी लोग महसूस करते हैं कि गुजरने वालों के छोटे छोटे काम याद करने वालों और दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ है कि उसने क्या दिया। कैल्विन कोलिस। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं? हाउ डू वी जज आवर वैल्यू सिस्टम? हम अपने नैतिक मूल्यों को कैसे परखते हैं? महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप ये हैं। पहला, बिना मेहनत किए दौलत कमाना। दूसरा, सद्विवेक रहित आनंद। तीसरा, चरित्रहीन ज्ञान। चौथा, नैतिकता रहित व्यवहार। पांचवा, मानवता रहित विज्ञान। छठा, त्याग रहित धर्म। और सातवा, सिद्धांत रहित राजनीति। इनमें से हर विकृति मूल्यहीनता दर्शाती है। हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं? मेरे ख्याल से इसकी दो ही कसौटियां हैं। सबसे ऊंची कसौटी मम्मा टेस्ट कहलाती है। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें। अगर मेरी माँ देख रही होती कि मैं क्या कर रहा हूं तो क्या वह गर्व करती और कहती, शाबाश मेरे बच्चे, या वह शर्म से सिर झुका लेती? आपके जीवन मूल्य तुरंत स्पष्ट हो जाएंगे। अगर हम ममा टेस्ट पास कर लें और दूसरे सभी टेस्टों में फेल हो जाएं, तो भी हम पास हैं। और अगर हम ममा टेस्ट में फेल हो गए और बाकी सभी टेस्टों में पास हो गए, तो हम फेल हैं। अगर ममा टेस्ट से जवाब नहीं मिलता तो हमारे पास एक और टेस्ट है जिसे कहते हैं बाबा टेस्ट। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें। अगर मेरे बच्चे मुझे यह काम करता हुआ देखें तो क्या मैं चाहूंगा कि वह इसे देखें, या मैं शर्मिंदा होऊंगा? एक बार फिर शंका के बादल जल्दी ही हट जाएंगे और आपको आपका जवाब मिल जाएगा।
और ये दोनों टेस्ट किसी इंसान के जीवन मूल्यों को नहीं परख पाते, तब वह इंसान इंसान नहीं है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे जीवन मूल्य कैसे बदलते हैं? हाउ डज आवर वैल्यू सिस्टम चेंज? लगातार संपर्क में आने से जो असहनीय है वह भी स्वीकार करने लायक हो जाता है, और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। जब हम इन असहाय चीजों को स्वीकार करने लगते हैं तो इन्हें उचित बताने लगते हैं। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा समय बदल रहा है और हम जीविका के लिए क्या करते हैं और हम जीविका के साथ क्या करते हैं में अंतर। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।